नमस्ते दोस्तों, मैं विद्या, किचन मैजिक में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का मेरा रेसिपी देखेंगे तो आप बाहर से आइसक्रीम लाना बंद कर देंगे। देखिए, बहुत ही इजी प्रोसेस है ये। घर में जो भी सामान है उसी से आप आसानी से आइसक्रीम बना सकते हैं। तो चलिए, आज का हमारा रेसिपी का नाम है बारबन चॉकलेट आइसक्रीम। देखिए, मैंने 6 बारबन बिस्किट्स लिया है। अभी इसको थोड़ा सा हाथ से खोट के मिक्सर जार में डालेंगे। अब हम इसको चला लेते हैं। ये देखिए, इतना फाइन पाउडर हमें बना के लेना है। अब हम एक और बड़ा जार लेंगे और इसको इसमें निकाल लेते हैं। अब मैंने यहाँ पे एक कप फुल क्रीम्ड मिल्क लिया है। ये देखिए, इसमें पूरा 1 लीटर का जो क्रीम है ऊपर का, वो पूरा इसमें है। अब मैं इसमें डालती हूँ इसको, पूरा 1 ग्लास भर के है ये इसको। अब इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच मिल्क पाउडर। आप इसके बदले में मिल्क मेड या मिठाई मेड भी डाल सकते हो। मैंने क्रीम भी डाला है करके मिल्क में मिल्क पाउडर 1 ही चम्मच डाल रही हूँ। अगर आपके पास क्रीम नहीं है, सिर्फ दूध ही है, तो 2 चम्मच आप मिल्क पाउडर डाल सकते हो। अब मैं यहाँ पे 1 छोटा चम्मच ही शक्कर डालूँगी। तो एक बार चला लेते हैं इसको। अच्छा सा एक पहले व्हिप करिएगा, बाद में 3 नंबर रख के फुल क्रीम आने तक इसको 2 मिनट तक चलाइएगा। ये देखिएगा, ये कुछ ऐसा इसके ऊपर झाग सा आएगा। ऐसा आइसक्रीम बॉक्स सबके घर में होगा, हम इस आइसक्रीम बॉक्स में डालेंगे। पूरी तरह मैंने इसमें डाल दिया है। अब हम इसके ऊपर चॉकलेट ग्रेट करेंगे। मेरे पास ऐसा चॉकलेट है, आपके पास जो भी अवेलेबल है वो डाल सकते हो आप। ऊपर ऊपर से ही ऐसे डाल देंगे तो बच्चों को भी बहुत ही पसंद आएगा ये चॉकलेट आइसक्रीम। अगर आपके पास टाइम है तो 3 घंटा इसको फ्रीज़र में रख के वापस निकालिएगा। वापस एक बार मिक्सर में से पीस के वापस डालिएगा। वापस 7-8 घंटे तक रख दीजिएगा फ्रिज में, तो उसका टेस्ट तो बहुत ही बढ़िया आएगा। लेकिन मेरे बच्चे इतना वेट नहीं करेंगे, तो मैं इसे एक ही बार फ्रीज़र में रख के निकालती हूँ। इसका कैप डालेंगे। 7 to 8 आवर्स इसको फ्रीज़र में रख देंगे। अभी 8 घंटा हो चुका है। ये देखिए, हमारा आइसक्रीम कुछ इस तरह बना है। वाओ, कितना बढ़िया दिख रहा है ना। चलिए, तो अभी इसे कट करके सर्व करेंगे। बारबन चॉकलेट आइसक्रीम बनके तैयार है। दोस्तों, अगर मेरा वीडियो आपको पसंद आया तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और मुझे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।